हाय दादा। हाय। लुटन कलेक्शन आई से नो आई से आई से। वाव देखा पट लवलीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम गुवाहाटी के फेमस एसमीज ज्वेलरी की दुकान डुगडुगी जाएंगे, क्योंकि इनके वहाँ आए हैं इनके न्यू ब्राइडल कलेक्शन। और इनके यहाँ की जो ब्राइडल कलेक्शन होती है ना, उनका कुछ अलग ही स्टाइल होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम इनके सारे कलेक्शन को देखेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इनके पास बहुत नए नए और खूबसूरत कलेक्शन आए हुए हैं। গুৱাহাটীৰ গৰম কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত গৰম পৰিছে, বহুত গৰম পৰিছে ন? গৰম পৰিছে। আৰু নতুন কালেকচন কি আছে দাদা? নতুন আছে, জুলপেৰি আছে, থুলপেৰি আছে। এইটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিছে। এইটো কি হয়? এইটো থুলপেৰি হয়। কিমান পৰিব এইটো? 12,500। অ'কে। এইটো হয় ৰুবী ষ্টোনৰ। অ' বেলেগ বেলেগ ন এইটো চেইনটো? একটা ইয়ারিং কেটা কেনে কে পড়ে দাদা? 6000। ওকে। 3000। 3000। 3500। আচ্ছা। 7500। এটু এটু। এটু। এটু 7500। আচ্ছা। 3000। ওকে। 6000। 6000। এটু রুবি স্টোনের হয় দুগদুগি 4000। ওয়াও, এটু সিঙ্গেল এটু নো? হ্যাঁ, সিঙ্গেল এটু, কানফুলি এটু। আচ্ছা। এটু 2000 নরমাল স্টোনের রুবি। এটু ব্ল্যাক রেড। আচ্ছা, ব্ল্যাক রেড তো না? এটু কেরু 3000। ও কেরু। ওয়াও, একটা সব নতুন আইছে। লাস্ট টাইম মই আইছিল তো নাছিলে। এটু সক একদম নতুন। এটু কিমান পড়ে দাদা? এটু 14500। 14500। এটু 14000। 14000। 18,000। 22,000 ৰুবি ষ্টোন হলে অকণমান দাম বাঢ়ি যায়। 22,000 বুলি কৈছে। এইটো চাওক, বাও, এইটো কিমান পৰিব দাদা? এইটো 12,500। এইকেইটা লাষ্ট টাইম আছিলে নেকি নে নতুন আহিছে? নতুন আহিছে। নতুন ন? এইকেইটা কিমান পৰে দাদা? এইটো 12,500। 12,500। 16,500। 18,500। 18,500। এইকেইটা ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন হয়। অ' এইটোও ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন যেন লাগিছে। इनके ब्राइडल कलेक्शन बहुत ही यूनिक होते हैं, और इनकी प्राइसेस 15K प्लस ही है जितना मैंने नोटिस किया। लेकिन अगर उसमें भी रूबी स्टोन ये लोग यूज़ कर लेते हैं तो उसकी प्राइस 20K के ऊपर चली जाती है। तो इफ़ यू कम हियर तो आप थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना कि आपको 15,000 से 20,000 या 25,000 के बीच में ब्राइडल कलेक्शन मिलेंगे यहाँ पे। पर ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इतने ही एक्सपेंसिव वाले मिलेंगे। मैंने काफ़ी सारे और भी ज्वेलरीज देखी यहाँ जिनके प्राइस 10K के नीचे थी, और वो भी बहुत सुंदर थे। हाँ, इतने हैवी नहीं थे जितना कि 20K या 15K वाले आपको मिलेंगे, बट ऑल द कलेक्शंस आर जस्ट टू अमेजिंग। और इन सबको देखने के लिए आपको पर्सनली तो एक बार डुगडुगी आना ही पड़ेगा। গামখাৰু 1 পিচ 12,000।
भैया ने मुझे कुछ टिप्स भी दिए जिनको फॉलो करके आप अपनी इन कैसा गहनों को बहुत लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो और इनकी शाइन भी बरकरार रख सकते हो। तो ऑल यू हैव टू डू इज़ मेक श्योर कि आप इनके ऊपर कभी भी परफ्यूम ना छिड़के, नेवर। और जब भी आप इसको पहन के जाए, मेक श्योर कि आप वापस आके इनको एयर ड्राई करें, फ़ैन के नीचे रख दिया या थोड़ी देर सूखने के लिए, पसीना नहीं लगना चाहिए। और मेरी तो आदत है कि मैं अगर कुछ अच्छा देखूँ तो आई जस्ट वॉन्ट टू ट्राई इट। तो मैंने ये वाला ज्वेलरी ट्राई किया एंड दिस वॉज सो ब्यूटिफुल। इसकी प्राइस थी 8,000 रुपीज़। और ये ब्राइडल में अगर आप पहनो अपनी मेन ज्वेलरी सेट के साथ, तो ये बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट करेगा। व्हाट डू यू थिंक? और अगर आप लोग भी डुगडुगी गए हुए हो पहले, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था। मैंने डुगडुगी के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी बना ली है, क्योंकि इनका एक ब्रांच लखीमपुर में भी है, नौगांव में भी है, इनके काफ़ी ब्रांचेज हैं। और हर सीज़न में इनके पास नए कलेक्शन आते हैं, और एक कलेक्शन से दूसरी कलेक्शन किसी ना किसी तरह यूनिक होती है। और मैंने तो खासकर ये नोटिस किया कि ब्राइडल कलेक्शन, ये पता नहीं कैसे, बट दे ऑलवेज मेक श्योर कि ब्राइडल कलेक्शन में इनके पास थोड़ी सी अलग 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 डिज़ाइन हो। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ देखोगे तो उसमें भी इन्होंने ब्राइडल कलेक्शन में बहुत यूनिक कलेक्शन लाए थे, और इस बारी भी इनके पास काफ़ी यूनिक कलेक्शन है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात फॉर द स्टोरेज ये भी है कि आप अपने ज्वेलरीज को कॉटन जो बर्ड्स होते हैं उनके बीच में रखें, तो इससे वो और ज़्यादा सेफ़ रहेंगे। इन अ बॉक्स आप पहले कॉटन रख लेना, फिर उसके अंदर अपने सारी ज्वेलरीज को रखना। और ये ज्वेलरीज ये नहीं कि सिर्फ आप मेखला चादर के साथ ही पहनो, साड़ी के साथ भी ये बहुत अच्छा लुक क्रिएट करते हैं। व्हाई डोंट यू गाइस शेयर सम पिक्स जिसमें आपने ये सारा पहना हो मेरे इंस्टाग्राम में, मैं उन्हें अपलोड करूँगी। व्हाट यू गाइस थिंक? मेरे प्रीवियस डुगडुग के वीडियोस को भी ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें से भी आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि इनके यहाँ पे कैसे कैसे ज्वेलरी कलेक्शंस आते हैं। मैं लास्ट टाइम आपको अलंकार ले गई थी जो जू रोड में है। ये बाय द वे चांदमाड़ी फ्लाईओवर के बिल्कुल पास है, एग्जैक्ट लोकेशन आप गूगल मैप से देख सकते हो। और गुवाहाटी में और भी बहुत जगह है जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर एसमीज गहने मिलते हैं, एंड आई विल बी टेकिंग यू टू ऑल दोज प्लेसेस। और अगर आपके जहन में भी कोई ऐसी जगह है जहाँ आपको लगता है कि आई शुड गो एंड एक्सप्लोर, प्लीज़ डू लेट मी नो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लोर दैट प्लेस। और लास्ट वीडियो नहीं देखी जो मैंने फिर से बोल रही हूँ कि अलंकार के ऊपर बनाई है, तो ज़रूर जाके देखना, उनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है। यू कैन ऑलवेज कंपेयर द प्राइसेस, और यहाँ पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलता है। और इनके यहाँ जब भी स्टॉक क्लियरेंस होता है तो ये काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में अपने ओल्ड स्टॉक्स को बेचते हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा इनसे इन्फॉर्मेशन लेते रहना पड़ेगा। इनकी ऑनलाइन वेबसाइट्स भी है, आप वो भी चेक कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दे ऑल्सो कस्टमाइज, तो आप उनको कस्टमाइजेशन के लिए भी अप्रोच कर सकते हो। लेकिन हाँ, कस्टमाइजेशन के लिए आपको उनको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली आप ज़रूर यहाँ जाना एंड मुझे बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखो एंड बाई।